कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि कोरोना के इस वेरिएंट को हराने के लिए स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन हमारी शक्ति है। उन्होंने देश में 140 करोड़ से अधिक टीकाकरण पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि विज्ञान और भारतीय व्यवस्था के प्रति विश्वास को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से नए साल में बेहतर बनने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई और 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे ही होंगे। हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे। अपने मोहल्ले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। लेकिन साथियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले दो वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। प्रधानमंत्री ने लोगों से नए